गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ अगेन एंड अगेन तो कल कुछ अच्छी अच्छी बातों को हमने इक्वेशन में सीखा था आपने सीखा है नहीं सीखा मुझे नहीं मालूम मैंने मैंने कोशिश किया था कि आपको इक्वेशन सिखाए इक्वेशन कहते किसको है ये बताया ये भी हमने आपको बताया जी कि वन वेरिएबल लिनियर इक्वेशन क्या होता है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन क्या होता है पढ़ाया था पिछले क्लास में टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का कब सोलूशन होगा कब सोलूशन ठीक है और फिर यह भी बताया कि सॉल्व करने के तरीके कितने है, है ना जी बात अमूमन एग्जामिनेशन में किस तरह के सवाल रहते हैं माइडियर या तो डायरेक्ट आपको इक्वेशन दिया रहेगा और सोल्व करने के लिए कहेगा डायरेक्ट अगर इक्वेशन दिया है और सॉल्व करने के लिए कहे जी तो आपकी बल्ले बल्ले है क्योंकि अगर सभी वेरिएबल का वैल्यू ऑप्शन में दिया हुआ है तो ऑप्शन से आप कर सकते हैं देखो इस चैप्टर को जब भी आप पढ़ेंगे तो हमेशा दो फ्रंट में पढ़ेंगे जी एक फ्रंट है क्या जी कि आप सवाल को बनाओगे मैनुअली जैसे बनाते हो वो भी सीखना चाहिए और दूसरा है जी कि ठहरिए रुकिए और देखिए कि क्या हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ठीक है यह हैबिट की बात है जितना आप ऑप्शन से समझोगे जी एग्जामिनेशन में फिर जैसे तैसे कैसी भी तरीके से सवाल का जवाब आप जरूर दे पाओगे ठीक है जी बा जैसे कुछ बातें आपको मैं बता दू कि लैंग्वेज में आखिर में ऐसा क्या क्या लिखा हुआ रहता है मान लिया जाए आपको कहे कि थ्री टाइम्स ए नंबर तो कोई नंबर अगर आप एक्स मान लोगे तो थ्री टाइम का मतलब थ्री एक्स जो लैंग्वेज में लिखा हुआ रहेगा उस लैंग्वेज को आपको इक्वेशन में चेंज करना होगा बराबर में जो भी लिखा रहेगा आपको कहे थ्री टाइम्स ए नंबर एक्स इसका मतलब हुआ जी लैंग्वेज थ्री है आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में बदलना पड़ेगा जो आपको लैंग्वेज दिया हुआ उसको क्या बदलना पड़ेगा मैथमेटिकल स्टेटमेंट में आपको अगर कोई कहे टू टाइम्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ एक्स तो इसका मतलब है स्क्वायर ऑफ एक्स का टू टाइम थर्ड नंबर एक्सीड और लेस और मोर ऐसे चीजों का लैंग्वेज लिखा रहे तो डिफरेंस से हम पता लगाते हैं एक्स वाई से तीन अधिक है पांच तीन से कितना अधिक है कैसे पता लगाओगे तो फाइव में से थ्री माइनस करेंगे फाइव तीन से दो अधिक है इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे पांच माइनस थ्री बराबर टू एक्स वाई से तीन अधिक है तो एक्स माइनस वाई बराबर थ्री एक्स वाई से थ्री एक्सीड करता है एक्स माइनस वाई बराबर थ्री एक्स बराबर वाई प्लस थ्री कुछ भी कर सकते हैं तो जो लैंग्वेज है उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में आपको चेंज करना पड़ेगा और जब आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट में चेंज कर देंगे इक्वेशन बना लेंगे तो सोल्यूशन करने का वही तरीका है जैसा मैंने आपको पढ़ाया क्लियर ऑल नंबर फोर देखिए टू डिजिट नंबर डिजिट नंबर को हमेशा हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं टेन एक्स प्लस वाई नहीं समझे सेवेंटी थ्री है तो सेवेंटी थ्री को एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखोगे बचपन में पढ़े थे जो यूनिट प्लेस वाला है वो डायरेक्ट एड होगा जो टेंस प्लेस है वो दस से ये टेन इसका पोजिशनल वैल्यू है समझ गए बात तो दो डिजिट का नंबर हम क्या मानते हैं एक्सपेंडेड दिमाग में एक्स मतलब एक्स एक्स लिखा तो एक्स इंटू वाई है या दो डिजिट का नंबर है कैसे पता लगेगा इसे दो डिजिट का नंबर तीन डिजिट का नंबर बोले तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में मानते है ना अगर मान लिया जाए दो डिजिट का नंबर ये माना तो डिजिट क्या हुआ डिजिटी नंबर क्या है डिजिटी नंबर एक्स एंड वाई है टेन क्या है उसका पोजिशनल वैल्यू आपको कहे दो डिजिट का कोई नंबर है तो दो डिजिट का नंबर आपने ये माना यूनिट प्लेस पर वाई है टेंस प्लेस पर एक्स तो है तो टेन एक्स प्लस वाई आपको कहे डिजिट का सम तो क्या इक्वेशन बनेगा एक्स प्लस वाई बराबर ट्वेल्व टेन एक्स प्लस वाई मत कर देना टेन एक्स प्लस वाई तो टू डिजिट का नंबर हो जाएगा है ना दो डिजिट का नंबर क्या है टेन एक्स प्लस वाई आपको कहे जी डिजिट का सम उनका क्या है डिजिट का जो है सम क्या है ट्वेल्व है तो एक्स प्लस वाई बराबर ट्वेल्व अगर कहे जी इसी सवाल को कहते हैं टू डिजिट नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट उल्टा कर दें रिवर्सिंग द डिजिट उल्टा कर देंगे क्या लिखेंगे टेन वाई प्लस एक्स क्या भाई अरे सेवेंटी थ्री का उल्टा कर देंगे तो थर्टी सेवन नहीं हो जाएगा तो टेन इंटू थ्री ये सब चीज को छोटे छोटे पॉइंट में एक्स वाई सेवेंटी थ्री मैं बताता हूँ टेन इंटू सेवन प्लस थ्री आ रहा है समझ में था हाँ और टेन एक्स प्लस वाई कर दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाती है होना नहीं चाहिए आपको तो टू डिजिट नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट तो टेन वाई प्लस एक्स ठीक है आपको अगर कहे जी थ्री डिजिट का नंबर थ्री डिजिट नंबर कैसे लिखेंगे हंड्रेड एक्स आ रहा है जी आफ्टर रिवर्सिंग कैसे लिखेंगे बताओ रिवर्सिंग में केवल देखो थ्री फाइव सिक्स है तो जब रिवर्स करोगे जी तो फाइव में कोई बदलाव नहीं होगा केवल ये दोनों बदलता है तो जो टेंस प्लेस वाला है वही रहेगा केवल ये बदलेगा समझ में है समझ में टें प्लेस वाले में तो कोई बदलाव होना नहीं उल्टा करने से ठीक है क्लियर और एक बात लिख दू नोट में स्टार देके टू और थ्री डिजिट

इक्वेशन बना के सॉल्व करने में टाइम लगता है ये सीखने के लिए ठीक है लेकिन एग्जामिनेशन में कोई चीज ऑप्शन से बनता है तो उसको हम बाय ऑप्शन से सॉल्व करके जल्दी जल्दी आंसर तक पहुंचेंगे ये नहीं कि हीरो दिखानी है कि हमको पूरे सॉल्व करना है तो आदत बदलेंगे थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव सवाल सॉल्व करने का वही तरीका नहीं अपनाएंगे जो सब्जेक्टिव का है तो फिर आपके लिए बहुत क्या हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा क्लियर ठीक है चलिए जी सवाल पर आते हैं ये बेसिक पार्ट हमने सिखा दिया है और सवाल को कोई क्वेश्चन बनाएंगे तो सॉल्व तो कर लोगे तो हम क्वेश्चन केवल बनाएंगे अब ये कहोगे बैठ के मैं सॉल्व करवाऊंगा वो नहीं होगा वो आप करोगे क्योंकि आपको सीखना है हमको तो सीखना है नहीं वन नंबर देखिए जी पेज नंबर नाइनटी वन सभी के पास बुक है आइडिया तो बोलो कितने महान है जी कुछ बोल लेते हो आप लोग पानी पिएंगे आप लोग द सम ऑफ टू नंबर इज फिफ्टी टू दे आर डिफरेंस इज टू द नंबर आर अगर दोनों नंबर दिया हो तो ऑप्शन से चेक कर लीजिए सी नंबर हो गया ऑप्शन अगर दोनों नंबर दिया हुआ है तो हम ऑप्शन से चेक कर लें तो एक तो तरीका हमने बता दिया एक था बाय ऑप्शन ये सब चीज में लाना है है ना? तीन तरह के मैचेज होते हैं जी आप लोग क्रिकेट खेलते हैं एक होता है जी ट्वेंटी ट्वेंटी एक होता है फिफ्टी ओवर के मैचेज एक होता है आपका वनडे मैचेज तो सॉरी ये क्या बोलते हैं टेस्ट मैचेस तो टेस्ट मैचेस जब खेला जाता है वो सब्जेक्टिव सवाल एकदम शॉर्ट हम क्या खेलते हैं जी एकदम जो लिखा हुआ है यहाँ बॉल गिरे ऐसे गिरे तो ऐसे ही शॉर्ट खेलना है तो पूरा पचास ओवर आदमी खेल गया तो दस रन बना पाता है आइए जी पचास ओवर में पचास ओवर में थोड़ा मिलता है इधर उधर और ट्वेंटी ट्वेंटी में कोई रूल नहीं चलता है रन चाहिए भाई को ऐसे मार रहा है वो ऐसे मार रहा है जो जिधर मार रहा है उधर मार रहा है तो आपको ट्वेंटी ट्वेंटी का मैच खेलना है कैसे ऑप्शन तक आपको पहुंचना है तो इसके लिए तो आपको काम करना की जरूरत पड़ेगा ना आप वन वेरिएबल में भी पांच मिनट कितना होता है बीस मिनट कितना खाते हो तुम लोग बहुत बार पढ़ा दिया अब तक तो देखो इतना पढ़ा दिया एक पेज देखो इतने हमने रिमार्क्स लिखा है ये देखने नहीं देंगे तुम लोगों को दूसरा ये तरीका आप इक्वेशन एक वेरिएबल में भी फॉर्म कर सकते हैं और दो वेरिएबल में भी फॉर्म कर सकते हैं आपके कैपेसिटी पर डिपेंड करता है मैं दो चार सवाल आपको बताता हूँ बाद में मैं सीधे सीधे बताऊंगा अगर हमें एक वेरिएबल में फॉर्म करूं थी सेकेंड मेथड है जी एक हम हाँ एक्स मान लेंगे तो दूसरा फिफ्टी टू माइनस एक्स दो नंबर का सम टेन है एक थ्री है तो दूसरा क्या होगा भाई अरे दूसरा क्या होगा कैसे निकाले हाँ तो दो नंबर का सम है ट्वेंटी एक एक्स माना था दूसरा तो फिफ्टी टू माइनस एक्स ही होगा वहां बता दे तो एक्स वाई जेड में जो है एलेवन ट्वेल्थ में फिर मैथ नहीं आपका होता है मैं पूछू जी एक एक दो नंबर का सम टेन है एक थ्री है दूसरा जी सर सेवन कब पढ़ा था ये बहुत पहले पढ़ी अच्छा जी दो नंबर का सम फिफ्टी है एक एक्स है तो बोला इलेवन में मैथ नहीं था मेरा डिफरेंस टू हुआ तो एक को बड़ा मानेंगे मान लेते हैं ये बड़ा है ये ग्रेटर है किसी एक को बड़ा और एक को छोटा तो मानना पड़ेगा ना भाई तो मान लेते हैं ये बड़ा है और ये क्या है तो ये x में से इसको माइनस कर दो किसी को मान सकते हो बड़ा ये दोनों का डिफरेंस टू है x निकल जाएगा तो नंबर भी निकल आएगा आया समझ में आप दो वेरिएबल मैच है बना सकते हो सवाल तीन तरीके हमने बताए दो नंबर x और y मान लीजिए x x x y, और बराबर क्या है अगर आप सब्सटीट्यूशन लगाते हैं y का वैल्यू निकाल लीजिए 52 टू माइनस एक्स और यहाँ 52 टू माइनस एक्स रखोगे तो आएगा आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं क्लियर टू ऑल लेकिन अगर दोनों नंबर दिया हुआ हो तो डेफिनेट रूप से बाय ऑप्शन आप बनाइए ये बात आ गया है समझ में अभी जो है छोटे छोटे कुछ पॉइंट पढ़ाए थे वो सब आप जानते हैं टू डिजिट नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं टेन एक्स प्लस वाई जैसे आप सेवेंटी थ्री है तो 73 थ्री का एक्सपेंडेड फॉर्म टेन इंटू सेवन प्लस थ्री ऐसे ही मानना है जो यूनिट प्लेस पर है वो टेंस प्लेस पर टेन मल्टीप्लाई होगा अगर दो डिजिट का नंबर ये माना तो यूनिट प्लेस पर वाई है टेंस प्लेस पर है दो डिजिट के नंबर को आप x, नहीं मान सकते गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि का मतलब हो जाएगा x y तो दिक्कत हो जाएगा देखो दो डिजिट का जो नंबर ये माना ये इसका पोजिशनल वैल्यू है आपने दो डिजिट का नंबर ये माना कह डिजिट का सम है डिजिट इसमें कौन है तो एंड वाई है डिजिट का सम ट्वेल्व है तो एक्स प्लस वाई बराबर ट्वेल्व टेन एक्स प्लस वाई मत कर देना टेन एक्स प्लस वाई तो फिर दो डिजिट का नंबर निकल आएगा डिजिट का सम नहीं निकलेगा दो डिजिट के नंबर को रिवर्स करोगे ऐसे लिखेंगे उल्टा हो जाएगा तीन डिजिट का नंबर ऐसा हंड्रेड एक्स प्लस टेन वाई प्लस जेड क्या जी एक्सपेंडेड फॉर्म यही होगा उल्टा करेंगे उल्टा करने से टेंस प्लेस में कोई बदलाव नहीं होता केवल जेड और एक्स बदलेगा ये होगा और एक पॉइंट लिखा है कि टू डिजिट और थ्री डिजिट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप हंड्रेड परसेंट ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं समझ गए है बात जी केवल कंडीशन को चेक करना हम सभी सवाल का दावा नहीं करते लेकिन कुछ सवाल का तो दावा हम पक्का कर सकते हैं क्लियर टू ऑल एक सभी बच्चे जानते हैं नोट में पैथोगोरस बाबा का सिद्धांत जानते हो बोलिए पैथोगोरस बाबा की पैथोगोरस बाबा की हाँ जय बोलो भाई किसी से रोटी मिलेगा और किसी से नहीं मिलने वाला ये सी है तो बड़ा हो जाएगा रूट ऑफ आ स्क्वायर प्लस ये जानते हैं सभी ये हाइपोटेनियस कहलाता है कर्ण है ना ये दो छोटे हैं जी सी रूट ऑफ है या इसको कई लोग ऐसे भी लिखते हैं बात तो एक ही हुआ, ना। आ समझ में? क्लियर हुआ? बाबा आया अगर आपको कोई भी राइट एंगल ट्रेंगल है दो छोटा साइड दिया रहेगा तो बड़ा साइड निकाल लोगे या बड़ा साइड दिया हुआ रहेगा छोटा साइड भी निकल आएगा ए स्क्वायर निकालना हो तो सी स्क्वायर माइनस ए निकालना हो तो रूट बी निकालना हो से स्क्वायर माइनस बी बराबर रूट हो जाएगा प्लस माइनस नहीं होगा क्लियर टू ऑल इसी बात पर दो नंबर सवाल बनाइए जी डायगनल और फिर रेक्टेंगल रेक्टेंगल आप समझते हैं ये दिया हुआ है माइडियर फाइव ये राइट एंगल ट्रेंगल एक साइड फोर है ये निकल जाएगा एरिया का मतलब लेंथ इन टू ब्रेथ ये क्या हो गया रूट ऑवर फाइव स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन नाइन कितने हो गए एरिया कितना हो गया माइडियर आ रहा है समझ क्लियर ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जी ट्वेंटी स्क्वायर सेंटीमीटर बी है जी ट्वेल्व सेंटीमीटर सी है टेन स्क्वायर सेंटीमीटर बताओ जी कौन ऑप्शन होगा बीमेट्रिक लगा देंगे नहीं डी मैट्रिक लगेगा हाँ तो ना आपको डी बोलना चाहिए ना आईसीआई एग्जाम में ऐसे थोड़े ना कुछ करेगा आपको आईसीआई में ज्यादा कठिन सवाल नहीं पूछता ठीक है अगर यहां पर सभी में यूनिट ऑफ मेजरमेंट दिया हो तो यूनिटॉफ मेजरमेंट का ध्यान रखिए ये भी स्क्वायर सेंटीमीटर में होना चाहिए अगर 12 सेंटीमीटर हुआ तो डी में टिक लगाओगे हाजी लगा मैं जो दिया हूं उसमें बताओ मैं किताब में कुछ बोल रहा हूं मैंने कहा कि ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है। हम अपने ऑप्शन में पूछ रहे हैं तू किताब दिखा रहा है इनको किताब में तो ठीक ही है आया समझ में मास्क मैन हाँ जी ये नहीं कि हाँ अरे मिस प्रिंटिंग हुआ होगा चल बी में लगाते हैं तो ये जो बी में लगाओगे ना आपकी पूछ जो है ना हेट के इधर कर देगा आईसीआई इंस्टीट्यूट डी फॉर डॉग है ना अगर किसी में भी हाँ जी बोलो ये तो ये है फोटो तेरा ही लगा हुआ है देखो ये देखो यही लड़का है तेरा फोटो जो है एकदम देखते हैं सब आदमी छाए तो दूसरी बात अगर आपको कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है तो सभी स्क्वायर सेंटीमीटर में समझ गए बात बा लेकिन अगर ऑप्शन में यूनिट ऑफ मेजरमेंट दिया हुआ है तो उसका ध्यान रखेंगे चलिए थ्री नंबर क्वेश्चन आइए कुछ तूफानी करते हैं। थ्री टाइम द फर्स्ट पार्ट एक्सीड वन थर्ड ऑफ द सेकेंड पार्ट फोर्टी एट are देखो दोनों पार्ट दिया हुआ है तो बाय ऑप्शन आप बना सकते हैं ठीक है जी बा पहले आप समझिए बात को दोनों पार्ट दिया है जी पहले बाय ऑप्शन में बनाना आपको सिखाता हूं मान लिया जाए ये नंबर ऑप्शन सही है मान लेते हैं ट्राई तो मरना तो होगा ना भाई एक नंबर ट्वेंटी या दूसरा क्या है फिफ्टी सिक्स को दो पार्ट में बांटना है पहले तो दोनों का सम करेंगे कितना आ गया ये आना चाहिए पहला पॉइंट दूसरा नंबर पॉइंट थ्री टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट जो पहले लिखा है वो फर्स्ट पार्ट किसी भी चीज का तीन टाइम कैसे करेंगे सेकेंड पार्ट ज्यादा है ज्यादा और कम का पता कैसे लगाएंगे डिफरेंस करो कितना जी डिफरेंस आ रहा है तो रहा है ज्यादा है फोर्टी एट से सवाल में भी कह रहा है कर रहा है क्या थ्री टाइम एक्सीड है वन थर्ड ऑफ फोर्टी एट फोर्टी एट से ज्यादा है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर अरे किसी चीज का तीन टाइम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो किसी चीज का वन थर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते वो ज्यादा या कम है इतना से तो डिफरेंस करके देख नहीं सकते आ रहा है समझ में सिंपल लॉजिक अगर हम सवाल को बनाएं जी कि अगर हम बनाएं वन वेरिएबल में ही बना सकते हैं है, टू में आपकी मर्जी है वन वेरिएबल में बनाएंगे तो कैसे होगा जी दो नंबर है जी दो पार्ट है 56 का एक पार्ट हम x मानेंगे तो दूसरा क्या होगा दूसरा क्या, क्या होगा बताओ ये हमारा फर्स्ट पार्ट है सेकंड आप उल्टा भी मान सकते हैं आपकी मर्जी है x y में कोई किसी को, को फर्स्ट सेकंड मान ठीक है थ्री टाइम्स ऑफ फर्स्ट पार्ट इसको मैथमेटिकली बदलो थ्री टाइम्स ऑफ फर्स्ट पार्ट थ्री एक्स किसी को दिक्कत अरे किसी को दिक्कत किसी को दिक्कत ये ज्यादा है तो ज्यादा और कम का पता कैसे लगाएंगे माइनस से कितना ज्यादा है फोर्टी एट बराबर फोर्टी एट आया समझ में पांच तीन से दो अधिक है कैसे बनाओगे पांच तीन से अधिक है माइनस दो ऐसे बनाएंगे ऐसे लिखोगे ना एक का कहता है थ्री टाइम करो तो तीन गुना कर दीजिए दूसरे का कहता है वन थर्ड है तो वन थर्ड कर दीजिए बोला आप ये ज्यादा है उससे तो माइनस कर दो जो ज्यादा है वो निकल आएगा सॉल्व कर लोगे सॉल्व कर लोगे इन सभी क्वेश्चन नंबर फोर देखिए दो डिजिट का सवाल है बाय ऑप्शन बनाइए इसको ये दो डिजिट के नंबर के सवाल में सबसे कठिन क्वेश्चन है इसका इक्वेशन बनाना बेहद कठिन है ये 1966 में आई में पूछा गया था सवाल ऐसे बाय ऑप्शन बनाना ज्यादा आसान जी हम एक दिन आपको इक्वेशन बनाने के लिए छोड़ देंगे इस पर आप आस प्लोस टोला मोहल्ला मास्टर सबसे पूछ के आइए ठीक है इक्वेशन बना के लाना है आज तो हम ऑप्शन से आपको बता देते हैं। हाँ, हाँ हाँ बना के लाओगे तो हमारे तरफ से मिठाई और नहीं लाया तो तुम खिलाओगे मिठाई ठीक है क्या ऐसा थोड़े ना एक एक लड्डू लाओगे एक एक बूंदिया बांट दोगे एक हाँ एक के जी ठीक है हीरा स्वीट से जाके एक के जी लड्डू लेते आना हीरा स्वीट है ना, है ना? वहां राजस्थानी जो है लड्डू जो है मोटा बूंदी वाला मिलता है ज्यादा नहीं है बारह पंद्रह सौ रुपये के जी मिलेगा कल लेके आना बन जाए तो ठीक है नहीं तो लेते आना क्या नहीं हम पहले देखेंगे फिर यही सब मंगवा लेंगे दो डिजिट का नंबर सम है चलिए बाय ऑप्शन बनाइए हमने पहले बोला दो डिजिट तीन डिजिट का कोई भी सवाल आप इक्वेशन बनाना जानते हैं नहीं जानते हंड्रेड परसेंट बाय ऑप्शन बना सकते हैं तो पलिए जी दो डिजिट का है जी चार का ये नंबर ऑप्शन चेक करते हैं थर्टी सेवन डिजिट का सम टेन होना चाहिए क्या टेन है एक चेक हो गया इफ 18 बी सब्ट्रैक्टेड। अगर इसमें हम एटीन सब्ट्रैक्ट कर दें फ्रॉम इट द डिजिट इन द रिजल्टिंग नंबर मैंने जो रिजल्टिंग नंबर का मतलब क्या हुआ जो डिफरेंस हो क्या आएगा रिजल्ट जो आएगा इसका रिजल्ट क्या आ रहा है तो डिजिट इन ये रिजल्टिंग नंबर है अरे रिजल्टिंग नंबर का मतलब जो माइनस होके आएगा और रिजल्ट जो आंसर ये है जी रिजल्टिंग नंबर तो कहता है रिजल्टिंग नंबर के डिजिट इक्वल है होने चाहिए तो क्या ये इक्वल है और नहीं ये तो नंबर ऑप्शन तो नहीं होगा बी नंबर चेक कीजिए ये हो रहा है सेवन प्लस थ्री टेन चेक करने का जरूरत नहीं है एटीन करोगे फिफ्टी फाइव रिजल्टिंग नंबर के डिजिट इक्वल है तो हो गया जी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्लियर आ गया समझ में चलिए जी फाइव नंबर फटाफट बनाइए किसी भी नंबर का फोर्थ पार्ट कर सकते हो फोर्थ पार्ट का मतलब क्या हुआ किसी भी चीज को चार से डिवाइड करोगे तो फोर्थ पार्ट हो जाएगा है ना मम्मी को बोला आधी की आधी रोटी खानी है तो चार भाग में बांटती है ना मम्मी जी पहले आधा करते हैं फिर आधा का आधा करते हैं फोर्थ पार्ट का मतलब किसी भी चीज को चार से डिवाइड करना सिक्स पार्ट का सिंपल मतलब है छह से डिवाइड करना ये सब ऑप्शन से बना सकते हैं नंबर दिया हुआ है कोई नंबर आप एक्स मान लीजिए एक्स का फोर्थ पार्ट और एक्स का सिक्स पार्ट तो कहता है फोर्थ पार्ट एक्सीड एक्सीड का पता कैसे लगेगा भाई और एक्सीड का पता कैसे लगता है कोई चीज किसी से ज्यादा और कम हो कैसे पता लगाओगे हाँ तो माइनस करेंगे बाय फोर ये चार ज्यादा अरे क्वेश्चन बनाने के लिए आया फोर्थ पार्ट का मतलब किसी चीज को चार से डिवाइड करना सिक्स पार्ट का मतलब किसी चीज को छह से डिवाइड करना ये ज्यादा है तो उससे कम वाला को माइनस करोगे तो जो कह रहा है उसके बराबर आ जाना चाहिए अब एक ही नंबर और ऑप्शन में दिया है तो इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं सी नंबर ऑप्शन है फोर्टी एट का फोर्थ पार्ट बताओ क्या होगा ऐसे बोलो ट्वेल्व होगा का का मतलब चार चार से से कितना हुआ? Eight. तो ज़्यादा है या नहीं ज़्यादा? तो हो गया जी ऑप्शन नंबर सी हुआ या नहीं हुआ आप ऐसे कोई सी भी सी को आप चेक कर सकते फोर्थ पार्ट का सिंपल मतलब है चार से डिवाइड कीजिए सिक्स पार्ट का मतलब सिंपल है छह से डिवाइड कीजिए एक्सीड है तो बड़े से छोटे को माइनस कीजिए जितना से एक्सीड है वो बराबर कर दीजिए ये तो आपको समझना पड़ेगा इतना जो है सीधा सीधा तो सवाल है टेन इयर्स एगो द एज ऑफ फादर वाज फोर टाइम्स ऑफ हिज सन और टेन इयर हैंस द एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस ऑफ दैट सन ट ऑफ इज सन द प्रजेंट एज ऑफ फादर एंड सन देखो फादर और सन दोनों का उमर दिया हुआ है प्रजेंट तो इसको आप ऑप्शन से बना सकते हैं अगर दोनों का एज हमको गिवन है तो आपका प्रजेंट एज मालूम है सुनो इधर ध्यान से तो दस पहले और दस बाद आपका क्या उम्र होगा ये पता लगेगा कि नहीं लगाएगा किए नहीं लगा सकते हो पता पता लगा सकते हैं पिताजी का उम्र ज्यादा वाला लेंगे और पितृ का उम्र छोटा वाला उल्टा मत मान लेना तो पुत्र का उम्र ज्यादा पिताजी का उम्र कम है ना? ये यहां पर नहीं होता तो पिताजी मान लेते हैं जी बाय ऑप्शन हम स्टार्ट करें बनाना परसेंटेज पीए का मतलब परसेंटेज ये है जी फादर है जी और सन है फादर है जी पचास साल ये नंबर ऑप्शन चेक कर रहे हैं ये नंबर ऑप्शन को चेक कर रहे हैं कि सही है या नहीं है ये नंबर ऑप्शन यही ना दिया हुआ टेन ईयरस से गो दस साल पहले की उम्र क्या होगा भाई इसका चालीस होगा और इससे कहता टेन ईयरसो इससे इसका एज फोर टाइम है फोर टाइम है दिख रहा है अरे दिख रहा है एक तो चेक हो गया दस इयर एंस आइए प्लस टेन कीजिए ये इससे टू टाइम्स है, है? है दिख रहा है ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर वही सवाल मैं कर रहा दोनों का एज हमको दिया हुआ है किसी भी, किसी भी आदमी का प्रजेंट एज दिया हो तो दस साल आगे जाके दस साल पीछे जाके उसका एज का पता लगकर कंडीशन चेक नहीं कर सकते अगर ये नहीं कर सकते हैं तब तो फिर बहुत मुश्किल है अब सवाल बनाना है सवाल तो जरूर बनाना है ये नहीं बनाओगे तो कैसे काम चलेगा जी एक सन है एक फादर जी है कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बोलो हमसे समझ रहे हैं मैं दिक्कत हो तो हम समझा सकते हैं लैंग्वेज का मतलब ये हम एक्स मान लेते हैं वाई मान कोई दिक्कत दस साल पहले आइए उम्र भाई तो दस साल पहले पिताजी का उम्र पुत्र के उम्र से चार गुना था एक क्वेश्चन एक बना चार एक्स माइनस चालीस दस को इधर ले आइए प्लस दस हो गया तो माइनस तीस एक एक कोई दिक्कत अरे बात आया समझ में इक्वेशन बनाने के लिए आया एक्स वाई में हमको ये भी सीखना है ऑप्शन तो है ही वो तो ठीक बात है लेकिन आपको ये भी सीखना है इक्वेशन बनाना ये नहीं कि जैसे तैसे सीख के चला जाना है वैसे हमको पढ़ाना हो तो हम तो कब का खत्म कर दें सिलेबस दस साल बाद भाई ये उम्र आ गए दस साल बाद बताओ क्या अब ये हमको दो लाइन लिखना पड़ता है ये अच्छा बात नहीं है बहुत गंदी बात है ये टू एक्स प्लस टेन कंपेरिजन मेथड हो गया अरे ये वाई है ये वाई है तो ये दोनों को बराबर कर लोगे फर्स्ट एंड सेकेंड दिखा देते हैं क्या हम ऐसे बना सकते हैं इधर गया चालीस टू एक्स एक्स बराबर ट्वेंटी फर्स्ट में रख दो जी वाई आ जाएगा फर्स्ट में रख दीजिए वाई फिफ्टी आ जाएगी कौन सा बड़ा बात है? आपको दोनों आना चाहिए लेकिन अगर दोनों की उम्र दी हुई हो तो सब सवाल बिना लिखे बनना चाहिए पचास और बीस है दस साल पहले चालीस और दस चार गुना लिखा हुआ आगे बढ़ गए साठ और तीस दो गुना खत्म बात ये सब सवाल के लिए अगर आपको कलम उठाना पड़े तो ऐसे कलम की तो है। ये डूम मरने वाली बात है। कि आप 10 साल पहले और 10 साल बाद जाके टाइम्स का पता नहीं लगा सकते टाइम्स का मतलब डिवाइड करना टेन टू का कितना टाइम्स है क्या करते हो अरे टेन टू का कितना टाइम्स है कोई पूछेगा क्या बोलते हो क्या करते हो कैसे बताया पांच टाइम्स है डिवाइड कर दिया टाइम्स का पता लगाना हो डिवाइड करना दस दो का कितना टाइम होगा टेन डिवाइड टू पांच हो गया इक्वेशन बनाएंगे अगर मान ली तो छोटा नंबर है।, है ना आपको कहे जी कि टू टाइम्स ऑफ ए नंबर इज फाइव टेन एक्स बताओ तो टू एक्स बराबर टेन सिंपल लॉजिक तो कोई किसी का कितना टाइम है डिवाइड करना ये आप जानते हैं ये कोई नया चीज नहीं है कोई किसी से कम ज्यादा का पता कैसे लगाता है तो माइनस करते माइनस करेंगे पार्ट कर रहा है तो छह से डिवाइड फोर्थ पार्ट कर रहा है चार से डिवाइड ये ज्यादा है तो माइनस करो अब ये सब बात अगर बेसिक नहीं पकड़ोगे तो कैसे काम चलेगा अब इसके लिए आप कहोगे कि नहीं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर थर्टी टू हंड्रेड है क्वेश्चन समझते हो जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं टू है जी एलेवन फाइव इसको हम कहते हैं डिवाइजर इसको हम कहते हैं डिविडेंड ये कहलाता है क्वेश्चन और ये जो बच गया वो कहते हैं रिमाइंडर समझ गए है भाजी है ना भाजक हिंदी में भाज्य ये भाग फल और यह शेष है आया समझ में और ये भी रूल है कि कोशेंट को आप डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर जोड़ोगे डिविडेंड आ जाएगा ये सब भी बात याद रखिए डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर पांचवा ये आप पढ़ते होंगे तीसरी क्लास में कि भैया इसको कहते हैं डिवाइजर यस सर डिविडेंड कोशेंट इसको कहते हैं रिमाइंडर और डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वेश्चन तो डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन का मतलब है कि जो भागफल आएगा जो आंसर आएगा और दोनों नंबर दिया हुआ है तो हम ऑप्शन से बना सकते हैं ऑप्शन नंबर डी नहीं हो गया देखो तो 18 इंटू फोर्टी हो गया थर्टी टू हंड्रेड दो नंबर का प्रोडक्ट है थर्टी टू हंड्रेड और बड़े को छोटे से डिवाइड करने से टू आना चाहिए एट्टी बाय फोर्टी टू हो गया आंसर आंसर तो दोनों नंबर दिया हुआ है तो ये सबको भी अगर लिखना पड़ जाए आपको यहां लिखेंगे लेकिन वहां आदत बनाइए ऑप्शन से क्लियर अब चलिए हम सवाल बना के दिखाते हैं और थोड़ा ऑप्शन को चेंज करके दिखाते हैं अब देखते हैं कि आप क्या आंसर करते हैं जी थोड़ा मैं पानी पीता हूं ठीक है जादू जी जादू है नशा है दो नंबर का प्रोडक्ट है जी चलिए ऑल्टरनेटिव और हम ऑप्शन को चेंज करते हैं दो नंबर का प्रोडक्ट है थर्टी टू हंड्रेड एक को अगर हम एक्स माने तो दूसरा क्या होगा बताओ नहीं सिंगल वेरिएबल में बोलिए क्या दिक्कत आ रहा है दिमाग में दो नंबर क्यों दो नंबर का प्रोडक्ट है जी थर्टी टेन दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है एक है टू दूसरा कैसे निकालना अरे दूसरा कैसे आएगा हाँ तो क्या हो गया दो नंबर का प्रोडक्ट 3200 है एक x मानेंगे दूसरा क्या होगा 3200 टू बाय एक्स वहां तो झटपट बता देते हो कि दो नंबर का प्रोडक्ट टेन है एक टू होगा दूसरा क्या होगा फाइव अच्छा एक x होगा तो तो पता नहीं क्या होगा अरे वही होगा जो तुम बोल रहे हो हर बार मैं अलग अलग बातें थोड़े ना होती है। जो चीज तुम छोटे में सोचते वही बड़े में सोचो एक एक्स एक है अरे आया समझ में एक को बड़ा मान लेते हैं ये सोचो ग्रेटर है मानने में क्या है किसी एक को ग्रेटर मानेंगे ना भाई तो बड़े को छोटे से डिवाइड करते हैं तो टू बचता एक्स है इन टू है जी तो एक्स स्क्वायर है एक सॉरी इसको इंटू करेंगे तो उल्टा हो जाएगा नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता X square है एक्स डिवाइड होगा कितना हो गया एक्स करेंगे जी प्लस माइनस दोनों होगा प्लस माइनस करोगे कैलकुलेटर है एटी आएगा अब दो नंबर निकलेंगे जी या तो एक नंबर होगा क्या जी अगर 80 रखोगे तो एक नंबर क्या होगा एक्स अगर 80 है तो एक्स एक होगा जी 80 और दूसरा नंबर क्या होगा एक्स लेंगे माइनस एट्टी तो दूसरा नंबर होगा थर्टी हंड्रेड बाई माइनस एट्टी मान लिया जाए ऑप्शन ऐसा दिया रहे एट्टी फोर्टी माइनस एटी और माइनस फोर्टी सी ए और बी डी नान लगेगा क्यों? क्यों? में माइनस एटी बाय माइनस फोर्टी टू नहीं होता अरे माइनस एटी बाय माइनस फोर्टी टू के अलावा सवाल में पॉजिटिव थोड़ा ना बोल रहा है कि नंबर होना चाहिए क्या होगा आंसर क्यों हो? नेगेटिव भी तो नहीं बोला ना ऐसा कुछ नहीं है वो वो वहां चलेगा ये कोई सिंबल थोड़े नहीं दिया हुआ था यही चलेगा या तो आप तुम ये बोलते हो तो उसको जस्टिफाई करो नहीं जस्टिफाई करते हो उदाहर मान लो नहीं है तो क्यों है? मैं कब बोला था अरे मैं तो कहा कि ऐसा लिखा हुआ रहे तो इसका मतलब है पॉजिटिव सॉरी ऐसा लिखा है तो मतलब है पॉजिटिव ऐसा कोई हमको थोड़े ना बनाना है सवाल में अरे कोई हमारा ओरिजिनल वैल्यू हम तो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन में तो कुछ भी हो सकता है बोल भाई आप सवाल आप लोग पढ़ते नहीं हो इसका मतलब सवाल में लिखा हुआ है कि द कोसेंट वेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर ये लार्जर है इसमें नेगेटिव में इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही होगा माइनस एटी और माइनस फोर्टी में लार्जर कौन है भाई माइनस फोर्टी माइनस फोर्टी बाय माइनस एटी तो टू नहीं होगा ना अरे आ रहा है दिमाग में कोई बात ये सवाल में अगर लार्जर के जगह अगर स्मॉलर लिख देता है ना स्मॉलर इज डिवाइडेड बाय लार्जर और क्वेश्चन टू होगा तो ऑप्शन नंबर भी होता था तो। अरे लिखा हुआ है बुक में लार्जर को स्मॉलर से डिवाइड करेंगे तो टू आना चाहिए इसमें लार्जर कौन है तो 40 80 होता है, होता है तो बाय हाफ होता है तभी आने का तो कोई चांस ही नहीं मतलब है कि ऐसे करेगा तो बच्चा फंसेगा सीधा सा मात है ये वो थोड़े देखने वाला है वो तो दो आना चाहिए किसी से कोई डिवाइड करते हम लोगों को तो टीचर बहुत पीटता है इस सब बात पर ठीक है ऐसे भी पीठ में बहुत सारे ये प्लान है बहुत सारे जो है ग्राफ ड्रॉ किए हुए टीचर के अभी भी पीठ पर जो है डंडे की छाप है मैं ऐसे नहीं आया बहुत पिटाई खाए मार पीट इतना बात पर तो टीचर कूट देता घर में जाके हल्दी और चुना लगता है उस पर कितना बार लगा जी पिताजी जो है हल्दी हल्दी के साथ जो है वो मस्टर्ड ऑयल को मिला के गर्म करके लगा रहे हैं एकदम इतना इतना फट गया इसे बोले क्या हुआ बोला गलती तुम्हारी ही होगी जी वो लगा रहे हैं लेकिन गलती तुम्हारी ही होगी टीचर ने सही पीटा तो इतनी बात पर तो कूट देता और ये सब कुटाई से ही आता है मैं वो दिमागी नहीं खुलता और आपने कुटाई तो खाया नहीं इसलिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं स्कूल में कोई एक तमाचा टीचर मान जाए पूरा घर का कुनबा पहुंच जाएगा मेरे श्रवण कुमार बेटा को मारा कैसे मजाल आपने इसको छू लिया तब हम लोगों को ले जाते थे, थे पिताजी स्कूल हाँ मास्टर जी जितना पीट सकते पढ़ने की बात ही नहीं होती थी पीटने की बात होती जितना पीट सकते मास्टर जी पहले डंडा लेके तैयार आओ उठता हूँ आशीर्वाद में दो चार पांच डंडे रोज खाते थे तब थोड़ा बहुत पढ़ाई आया तब भी टीचर के प्रति स्नेह यह नहीं कि हाँ टीचर ने पीटा तो अच्छा, बाहर निकलो अभी पता लगाते हैं। चलिए एट नंबर फ्रैक्शन को हम एक्स बाय वाई से लिखते हैं इसको हम बोलते हैं नूमरेटर यहां नोट में लिख लीजिए क्योंकि आप तो सब लोग खा पी के बैठे हैं डिनोमिनेटर डीनोमिनेटर अंग्रेजी में बोलते हैं अंश और हर और हिंदी में बोलते हैं नूमरेटर और डिनोमिनेटर क्योंकि वही समझ में आता है अंश और हर बोल दे तो बाप रे बाप आफत आ गए कि मास्टर बिहार से आया होगा चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं the denominator of a fraction xceed the numerator by 2 मैंने जो है denominator जो है डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से दो अधिक है थे इसको हम x माने थे x 2 क्या भाई क्या होगा और क्या मान सकते हैं जी दूसरे ढंग से कैसे माने बिना एक्स वाई के आप ऐसे भी मान सकते हैं जी मैं इसको एक्स मानोगे तो एक्स माइनस टू ऐसे भी मान सकते हैं आपकी मर्जी है कोई मान के बनाइए समझे बात कुछ भी ये चाहिए लेकिन एक से ही बनाना ये नहीं की बनाना इससे और रखना वैल्यू इसमें आप कुछ भी कर सकते हो तो। क्लियर यहाँ तक आया बात जो जो कह रहा है वो करते जाइए सवाल बन जाएगा क्वेश्चन नूमरेटर में पांच जोड़ना है जोड़ दिया अरे कोई दिक्कत है नूमरेटर में पांच जोड़ना से द फ्रैक्शन इनक्रीजेज बाई यूनिटी यानी अगर हम इसमें पांच जोड़ा तो ये जो फ्रैक्शन है वह यूनिटी यूनिटी का मतलब एक यूनिटी का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है एक अंग्रेजी में मैथमेटिक्स में अंग्रेजी में मतलब एकता और बॉलीवुड में एकता कपूर ठीक है यूनिटी कपूर तो कहता है कि अगर नूमरीटर में हम पांच ऐड कर दें तो कहता है कि जो फ्रैक्शन आपने माना है ये यूनिटी से बढ़ जाएगा एक से बढ़ जाएगा तो फ्रैक्शन बताइए आप एलसीएम ले सकते हैं इसको कुछ तो बोलो ये कट जाएगा इधर उधर होगा तो कटेगा ना ये टू एक्स एक्स बराबर थ्री आ गया एक्स थ्री हो गया जी तो फ्रैक्शन क्या हो गया बताओ ये थ्री है तो थ्री प्लस टू कितने हो गए ये तो हुआ बनाने का तरीका लेकिन इसको सवाल को देख के भी हम डीमेंटिक लगा सकते हैं घर में कभी प्रयोग आपने किया या नहीं किया है मुझे नहीं मालूम मैं प्रयोग किया हूं कई बार कभी कोई फ्रैक्शन को एक से इंक्रीज करके देखे हो अरे आया समझ में ऊपर वाला अब देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत भी मैथ आता है आता है आता नहीं है अभी कई बार घर में फ्रैक्शन को एक से बढ़ा के देखिए क्या होता है कोई फ्रैक्शन है ये भाई भी हमने एक बढ़ाया देखिए क्या होता है एलसीएम लिया भी क्या हुआ क्या सीखा इससे कोई फ्रैक्शन एक से कब बढ़ेगा जब हम उसके नोमरेटर में वही ऐड करेंगे जो उसके डिनोमिनेटर में होगा अरे बात समझ में आया कोई भी फ्रैक्शन एक से कब बढ़ेगा जब उसके नोमरेटर में वही ऐड करेंगे जो उसके अब सवाल को पढ़िए कि नोमरेटर में पांच ऐड करने से फ्रैक्शन एक से बढ़ जाता है तो नोमरेटर में आपने पांच ऐड किया और फ्रैक्शन एक से बढ़ गया इसका मतलब इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर पांच है क्लियर हो गया इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है चूंकि अभी तुरंत पढ़ा जी कि फ्रैक्शन एक से तभी बढ़ता है जब उसके नोमरेटर में वही ऐड करते हैं जो उसके डिनोमिनेटर में तो हमने फ्रैक्शन एक से बढ़ गया इसका मतलब उसके डिनोमिनेटर में पांच है और डिनोमिनेटर में पांच है और ऊपर उससे दो कम है तो कितना हो गया आंसर होगा या नहीं होगा तो ये सब सवाल अगर आप घर में कई बार आप ट्राई करते हैं ट्राई नहीं करते हैं हम लोग थोड़ा बहुत ट्राई करते थे अभी भी बहुत कुछ ट्राई करने को बाकी अभी तो कुछ भी हम लोग नहीं जानते तो मास्टर जी ने सिखाया कि फ्रैक्शन को एक से बढ़ाओ क्या कंडीशन होता है ये हम लोग तीसरा चौथा पांचवा क्लास में सीखते थे एक से बढ़ाया क्या सीखा तो टीचर जो है दस सवाल ऐसे बोलते थे कि हम नोमरेटर में अगर दस ऐड करें फ्रैक्शन एक से बढ़ जाए डिनोमिनेटर बताओ हम लोग कहते थे दस सेवन होने से होता है कितना होता था तो सेवन इस तरह से गीत हो चलता था क्लास कुछ नहीं करते हो तुम लोग थ्री परसेंट मिस्टर रॉय मिस्टर पॉल और मिस्टर सिंह टुगेदर है फिफ्टी वन रुपए मिस्टर पॉल एच फोर लेस देन मिस्टर रॉय और मिस्टर सिंह एच फाइव लेस देन है जी दे मनी तीनों का मनी है तो चेक कर लेना है देखिये जैसे नाम ऊपर लिखा हुआ है आंसर में वैसा ही पैसे होगा पहले किसका नाम लिखा हुआ है बाय ऑप्शन से चलिए ए नंबर ऑप्शन है बीस हम मान लेते हैं ये रॉय का पैसा है ये पॉल का पैसा है और ये सिंह साहब का पैसा पहले तो तीनों का सम 51 आना चाहिए क्या 51 है है फिर पढ़िए अगला कंडीशन मिस्टर पॉल फोर लेस देन मिस्टर कम है, है चार कम। और सिंह लेस लेस देन थे than, है भेजा ये नंबर ऑप्शन अरे भाई तीनों का पैसा दिया हुआ है तो तीनों का सम 51 है कौन किससे ज्यादा और कम है चेक नहीं कर पाएंगे क्या तो इस सवाल को बनाओगे क्या हाँ सिंगल आदमी बोले जी अच्छा ये बताओ कि रॉय साहब के पास कितना पैसा है तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्लियर अगर हमको सॉल्व करना पड़ जाए जी माईडियर अल्टरनेटिव मनी जो है अपना सपना मनी मनी रॉय साहब को हम एक्स मान लेते हैं पॉल साहब कहता है इससे चार कम है और सिंह साहब इससे पांच कम है इसी से बोल रहा रॉय के ही संबंध में बोल रहा समझ गए कि जो रॉय माने जी पॉल के पास चार कम है ये तीनों का सम कितना हो गया ये सॉल्व करके एक्स का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे हो गया आंसर तो आप देख के ही बता दोगे ऑप्शन बताओ सी नंबर देखो ऑप्शन में ऑफ नहीं हो तो एक भी कंडीशन से पता लगा सकते हैं लेकिन नन ऑफ दीज अगर ऑप्शन में हो तो सवाल को पूरा सॉल्व करके मतलब है कि आप पूरे कंडीशन को चेक करके टिक लगाना है क्योंकि नॉन ऑफ दीज बहुत खतरनाक सवाल होता है

अगर हम फिफ्टी फोर दें तो डिजिट रिवर्स हो जाएगा ये भी चेक कर सकते हो 54 माइनस करो 39 आ गया रिवर्स हुआ हो गया जी आंसर अगर नन ऑफ दी जाए तो दोनों कंडीशन चेक कीजिए क्लियर और अगर आपका क्या है नन ऑफ दीज नहीं है तो एक भी कंडीशन में काम चल जाएगा आप इक्वेशन भी बना सकते हैं मैं एक इक्वेशन बना देता हूं दो डिजिट का नंबर कैसे मानोगे माय डियर बोल भाई पढ़ने में समझ में आ रहा है कि सारे लोग जो है बस देख रहे हो अच्छा ठीक है सर पढ़ाओ मैं बाद में देख लूंगा दो डिजिट का नंबर बताओ बोलो तो नींद कम आएगी तो डिजिट नंबर क्या मानोगे एक्स बराबर है थ्री वाई एक कंडीशन ये यूनिट प्लेस का डिजिट है ये टेंस प्लेस का डिजिट है ये जो मल्टीप्लाई है, ये डिजिट नहीं है ये पोजिशनल वैल्यू है समझ लीजिए डिजिट केवल एक्स एंड वाई है समझ गए बाजे? और दूसरा क्या है इसमें से अगर फिफ्टी फोर माइनस कर दें तो डिजिट रिवर्स हो जाता है जी टेन वाई प्लस एक्स एक्स बराबर थ्री वाई रख लोगे हर एक्स के जगह थ्री वाई फिट कर दोगे सब्स्टिट्यूशन इससे वाई निकल आएगा और वाई यहां पुट कर देना तो एक्स निकल आएगा क्लियर आया समझ में चलिए इलेवन बताइए जी आंसर क्वेश्चन हमारे इलेवन

अगर सवाल को बाय ऑप्शन बनाते हो सवाल को कैसे बनाते हो तो वैसा नंबर पहले चुनिए जिसका आधा छ से डिवाइड हो जाए और चार से डिवाइड हो जाए सवाल मैं कह रहा है हाफ 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 ऑफ नंबर नंबर डिवाइडेड बाय बाय डिवाइड तो पहले हम उसको ट्राई करते हैं जिसका आधा करने से छ से डिवाइड हो जाए और चार से नहीं हो तो बाद की बात जैसे 320 का हाफ करोगे तो क्या होगा बाय ऑप्शन 320 का हाफ क्या होता है 160 सिक्सटी छ से डिवाइड नहीं है इसको बाद में सोचेंगे 400 सो का हाफ कितना है ये भी छ से डिवाइड नहीं है फोर एटी टू फोर्टी है चलो इसको पहले भी सीखते हैं सी ऑप्शन में ट्राई मारते हैं फोर एटी को करता है जी कि आप आधे आधे को कर दीजिए आधे को छह से डिवाइड कीजिए आधे को चार से डिवाइड कीजिए और ऐड कीजिए ये हंड्रेड आएगा जी देख लो ये चालीस और ये साठ अरे भाई आएगा कि नहीं जी चालीस स्टूडेंट ने क्या किया है कि ऐसा नहीं करके होल को पांच से डिवाइड कर दिया तो कहता है जो रिजल्ट है वह चार शॉर्ट हो गया चार शॉर्ट हो रहा है क्या अरे चार शॉर्ट हो रहा है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आया समझ में इससे नंबर है स्टूडेंट को कहा कि आधे को छह से डिवाइड कीजिए और आधे को चार से डिवाइड कीजिए किया उसने उसने ऐसा नहीं किया उसने क्या किया जी होल को पांच से डिवाइड कर दिया तो जो उसका आंसर होना चाहिए वो हो चार शॉर्ट यानी चार कम हो गया तो क्या चार कम हो रहा है चेक कर लीजिए हो रहा है तो हो गया ऑप्शन अब सवाल कैसे बनाएंगे वो बता देता हूं बनाना भी सिखा देते हैं केवल इसी से काम नहीं चलेगा नंबर एक्स मानो इसका आधा करो और इसका आधा कीजिए इसको छे से डिवाइड करना है तो सिक्स कर दो अरे नीचे इंटू सिक्स करोगे कोई भी चीज को छह से डिवाइड होगा ना भाई इसको ऐड कीजिए उसने क्या किया यह नंबर को पांच से डिवाइड किया अब ये चार कम हो गया इससे तो दोनों को बराबर कैसे करेंगे हमको सौ नाइनटी सिक्स को बराबर करना है क्या करें या तो चार इधर ऐड कर दो इधर या चार माइनस कर दो ये चार शॉर्ट हो गया तो बराबर कब होगा जब ये चार ऐड कर दो है। समझ गया बाजी बराबर ही तो करना है तो जिधर चार कम हो जाए उधर चार जोड़ के बराबर कर दीजिए सॉल्व करके एक्स निकल जाएगा क्या हुआ बोल बोल एक नंबर को हमने आधा कर लिया एक्स बाय टू एक्स बाय टू एक छे से डिवाइड किया चार से डिवाइड किया ऐड करना था ऐड कर दिया स्टूडेंट ने ये काम किया तो ये करेक्ट रिजल्ट इधर है इससे इसका वैल्यू चार कम है तो बराबर कैसे करेंगे चार ऐड करके बराबर कर दो आया समझ में हो गया एक्स नहीं निकाल लोगे आया समझ में ट्वेल्व का देख के आंसर बताइए क्या होगा बिना लिखे ये नंबर हाफ ये नंबर ऑप्शन का हाफ करोगे क्या आएगा जी ग्रेटर देन है वन फिफ्थ फिफ्टी का वन फिफ्थ कितना होगा तो 25 जो है 10 से 15 ज्यादा है सही बात है हो तो गया ये नंबर ऑप्शन अरे ज्यादा और कम माइनस से पता नहीं लगाएंगे हाफ का मतलब दो से डिवाइड करना वन बाय फिफ्थ का मतलब है कि पांच से डिवाइड कीजिए या वन बाय फाइव से मल्टीप्लाई कर दीजिए एम आई राइट right? ज्यादा है तो डिफरेंस आ रहा है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है नंबर एक्स मान लो फिफ्थ है जी ज्यादा है जी कितना फिफ्टीन सॉल्व कर लो अब इतना बताने के बाद भी नहीं आता है तब तो गंगा स्नान करने की जरूरत है ठीक है हो जाता है हो जाता मंथली इनकम ऑफ है टू परसेंटेज फोर बाय फाइव एंड मंथली एक्सपेंसेस है सेवन बाय नाइन दोनों का सेविंग फिफ्टी है जी तो दे मंथली इनकम सार फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड मंथली इनकम ऑफ है दो परसेंट दिया हुआ है फोर टू फाइव तो देखो अगर इनकम का रेशियो फोर बाय फाइव है तो आंसर में पहले छोटू आएगा फिर बड़ू आएगा तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता एक बार सभी बच्चे जानते हैं नोट में पहले बाय ऑप्शन बता दो कि इनकम से सेविंग को माइनस कर दोगे जी तो बाकी सब खर्चे हो गए अरे ये तो सिंपल लॉजिक आता है समझ में चार सौ रुपया में गए मार्केट और लॉट का है तो पचास रुपया बचा हुआ है तो बाकी इसका मतलब साढ़े तीन सौ अपने खर्च किया ये भी बताने की जरूरत है तब यू आल सुपर डुपर बच्चे ऑनलाइन बच्चे आ रहा है समझ में ऑनलाइन छे हो गए ओ माई गॉड ऑनलाइन आ रहा है समझ में ऑनलाइन कुछ तो लिखो कि सो गए रेडमी नोट एट प्रो ओहो हो दीपक कुमार रेज हैंड हाँ बोलिए आ रहा है समझ में ये लिखिए ऑप्शन अगर हम बी से ट्राई करते हैं जी तो पहले इनकम का रेशियो 400 हंड्रेड बाय फाइव किया जी 4 बाय फाइव ये तो हो ही नहीं सकता चूंकि बड़ा पहले लिखा है ठीक है अरे इनकम ऑप्शन में दिया हुआ है तो रेशियो चेक कर लिया एक्सपेंसेस का रेशियो चेक करो चार सौ में पचास आप खर्च कर देते हैं तो चार सौ में 50 माइनस कर दीजिए तो सेविंग करते हैं ये हमारा एक्सपेंसेस है इसका रेशियो चेक करो एक्सपेंसेस का रेशियो ये है सेवन बाई नाइन हो गया ऑप्शन नंबर भी आ? पहले पहले भी पढ़े हो अरे वाह सॉरी गलती हो गई अभी मैं बोलता हूँ इसको हटाओ यहां से देखिए एक ऐसी बात बता देता हूँ जो नहीं पढ़े हैं जब भी इक्वेशन से भी आप बना सकते हैं जी ऑल्टरनेटिव इनकम जब भी कोई रेशियो को अलग करते हो तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं ये सभी बच्चे जानते हैं कि रेशियो को अलग करते हैं तो एक कांस्टेंट से हम क्या करते हैं इनकम दोनों का ही है एक्सपेंसेस क्या होगा आप फोर एक्स फाइव एक्स भी लिख सकते हैं दोनों में फिफ्टी माइनस कर दो भाई Since दोनों का रेशियो क्या होगा सेवन बाय नाइन यही लिखा हुआ है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके K निकाल लेना सौ आएगा तो इनकम क्या हो गया फोर हंड्रेड बाय फोर हंड्रेड एंड फाइव हंड्रेड इसको और तरीका से हम बना सकते हैं इक्वेशन से ये भी इक्वेशन है और कैसे बना सकते हैं कोई महान कोई पूछे और तरीका बताओ आप ऐसे बना सकते हो इनकम मान लेते हैं जी अलग अलग कीजिए फोर एक्स फाइव एक्स एक्सपेंसेस को भी अलग कर लो ये वाई मान लो फाइव वाई सेवन वाई सेवन और नाइन सॉरी सेवन वाई और अलग अलग मानेंगे जी वेरी कांस्टेंट, इनकम से एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे कितना होगा और फिर इसका भी करोगे तो ये दोनों को आप सॉल्व करेंगे जी ऊपर पांच मल्टीप्लाई करें नीचे चार मल्टीप्लाई करें एक्स हट जाएगा वाई निकल आएगा वाई एक जाएगा ऐसे भी बना सकते है और सबसे आसान तरीका है कि दोनों दिया हुआ है तो ऑप्शन देख लीजिए इससे आसान तो कोई तरीका हो ही नहीं सकता आ रहा है समझ में जब भी कोई चीज रेशियो में हो ए रेशियो भी अलग करेंगे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे ए के बी के ए एक्स बी एक्स आपकी मर्जी है अब इनकम का अलग रेशियो है और इसका अलग है तो उसको अगर हमने फोर एक्स फाइव एक्स माना इसको सेवन एक्स और नाइन एक्स नहीं मानेंगे अलग मानेंगे सेवन वाई नाइन वाई ठीक है बात इनकम में से हमने क्या किया एक्सपेंसेस माइनस कर दिया था सेविंग बचेगा ना भाई तो दो हमने इक्वेशन बना लिया ठीक है पहले का इनकम क्या है हमारा पहले का इनकम ये और इसका एक्सपेंसेस ये तो डिफरेंस फिफ्टी फिर इसका इनकम माइनस इसका, चूंकि दोनों पचास पचास रुपये बचाता है लिखा हुआ है आया समझ में आया समझ में क्लियर ये तो बहुत आसान है फोर्टीन फाइंड द फ्रैक्शन इक्वल टू हा बोथ नूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देखो फ्रैक्शन से भी रिलेटेड सवाल को आप ऑप्शन से बना सकते हो क्योंकि फ्रैक्शन में नूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दिया हुआ है तो आप चेक कर सकते हो आ रहा है बात समझ में समझ गए बात जी कहता है कि फ्रैक्शन विच इक्वल टू हा बोथ नूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय टू सोचो बाय ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन है थ्री बाय एट है दोनों जगह अगर टू ऐड करते हैं तो फाइव बाय टेन हाफ हो गया और दोनों को इंक्रीज ट्वेल्व करते हैं फिफ्टीन बाय ट्वेंटी तो थ्री बाय फोर हो जाता है हो गया जी थ्री बाय फोर इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आ रहा है समझ में एक बार इंक्रीज करके चेक कर लिए फिर इंक्रीज करके चेक कर लिए बनाओगे तो कैसे बनाओगे ओहो कैसे बनाएंगे मुन्ना ऑल्टरनेटिव लेट फ्रैक्शन बराबर एक्स बाय वाई एम आई राइट दोनों में दो ऐड कर दो हाफ हो जाता है देन प्यार से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं इससे आसानी से टू एक्स प्लस टू एक आ गया अरे आ गया कुछ तो बोल आया समझ में सबको फिर ट्वेल्व ऐड करो अब इसको ज्यादा बढ़ाना नहीं है बहुत करोगे तो क्रॉस कर लो और y के जगह ये पुट कर देना y के जगह 2x एक्स प्लस टू है तो y के जगह 2x एक्स प्लस टू पुट करके क्रॉस करके x निकाल लो y निकलना है आएगा समझ में आया समझ में सबको कोई कुछ बोलता नहीं आ रहा है समझ में आप क्या करेंगे y के जगह सब्सटीट्यूट कर दीजिए टू एक्स प्लस टू क्या हुआ क्या दिक्कत है बोलो ये फ्रैक्शन है क्या हो गया दिक्कत बोलो तो नोमरेटर डिनोमनेटर में दो ऐड करने से फ्रैक्शन आप हो गया हाँ तो क्रॉस करके हमने वाई निकाल लिया फिर कहता है दोनों में ट्वेल्व ऐड करेंगे तो थ्री बाय फोर हो गया तो क्या दिक्कत आ गई वाई का ये वैल्यू रखोगे सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा सॉल्व नहीं होगा क्या सॉल्व करना तो सीखो ही सॉल्व करना हमारे से नहीं होगा हम कितना भी सॉल्व कर दें आपको नहीं आएगा आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा ये सब कार्यक्रम घर में चलाइए किसी को भी अगर जीरो पॉइंट जीरो 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 वन परसेंट भी दिक्कत हो तो पूछो नहीं पूछोगे मैं नहीं फिर कहूंगा कि आप कहोगे कि हमको नहीं आता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा नहीं आता है तो जाओ अपना जहाँ आता है वहीं पढ़ो नहीं आता है तो पूछोगे क्या नहीं आया समझ में इंक्रीज करना डिक्रीज करना डिवाइड करना फोर्थ पार्ट थ्री पार्ट ज्यादा कम यही एक क्वेश्चन है और क्या ये क्वेश्चन है नमरेटर डिनोमिनेटर डिविडेंट डिज ये सब सब बात आपको आना चाहिए समझ में आएगा नहीं आता है तो कोई सवाल आप बनाओ बना के दिखाओ कि हमारे हिसाब से ऐसे बनना चाहिए नहीं आंसर मिल रहा है मैं बताऊंगा कि आप में क्या दिक्कत है लेकिन ये काम आपको ही करना होगा हमारे इक्वेशन बनाने से आपको इक्वेशन नहीं आएगा हम आपको यहां करते हैं ये जितना होमवर्क सेक्शन है बनाइए उसको बैठ के लैंग्वेज को इक्वेशन में चेंज करना सीखिए आपको चार लाइन आता है तो दो लाइन आता है जो आता है वो लिख के दिखाइए कि हाँ सर की इतना ही हमसे बन पा रहा है मेरे हिसाब से ये क्यों नहीं होगा ऐसे दस बीस पचास सवाल पूछोगे अपने आप आने लगेगा इसके बाद यदि सॉल्व नहीं होता है तो सॉल्व करने के लिए सीखना पड़ेगा आपको आपको सीखना पड़ेगा मान मैं ये सॉल्व करके आपको दिखा तो दूसरा फिर आएगा तो फिर वो नहीं बनेगा एक से तो काम नहीं चल रहा है ना इस सबको जाके घर में सॉल्व करो तब बात बनेगी और पक्का बनेगी फिफ्टीन इज ए गुड क्वेश्चन बनाइए एक क्वेश्चन जरा सा देखे कौन कौन इक्वेशन बनाता है जो ही क्वेश्चन बनाएगा मेरे तरफ से मैं पानी पिलाऊंगा उसको अब कुछ लोग बोलेंगे जो पानी नहीं पिएगा कोई बात नहीं वन आंसर हो गया ठीक The age of a person. ध्यान दो मुन्ना। The age of a person is twice the sum of the ages of two sons। यार रिलेशन दो सन और पिताजी के बीच का। Five years ago, his age was thrice the sum of their ages. मैंने दोनों सन के एज को अलग अलग नहीं मानना है चूंकि पिताजी का उम्र डायरेक्ट दोनों सन के एज से रिलेटेड है अब चूंकि पिताजी का उम्र पूछ रहा है तो ये सवाल आपको बनाना ही पड़ेगा ठीक है प्रेजेंट एज सन का हम मान लेते हैं एक से और फादर का वाई है। इसमें बच्चा गलती क्या ये दो सन का एज है टू सन एज का डायरेक्ट हमने कंबाइंड मान लिया कि दो सन का कंबाइंड एज क्या है एक्स और पिताजी का उम्र क्या मान लिया हमने तो कहता है जी कि एज ऑफ ए पर्सन इज प्रेजेंट में क्या है कि ये थ्राइस है ट्वाइस है ट्वाइस सॉरी ट्वाइस कर रहे है? एज ऑफ ए पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज एज ऑफ हिज टू सन यहां तक दिक्कत किसी को आ गया यहां तक समझ में पांच ईयर अगर एगो करते हैं एगो का मतलब बैक इधर देखो तो पांच ईयर बैक कितना उम्र होगा इसका एक्स माइनस यही गलती करता है यहां दो सन है दो बार फाइव माइनस होगा तो दो सन का ये पांच पांच दो बार नहीं कटेगा अरे दो सन का एज माइंड न माना है एक्स है जी तो पांच साल बैक चलेंगे जी तो दो बार पांच न घटेगा यहाँ लोग एक्स माइनस फाइव कर देता है इसलिए तो गलत हो जाता है हमने दो सन का एज माना जी मान लेते हैं जी तीस साल तो पांच साल अगर बैक जाएंगे तो दोनों से पांच पांच के तो बीस होगा ना भाई दोनों का कम्बाइंड तब ने फिर पांच साल आगे दोनों पांच पांच बढ़ेगा तब तीस होगा कैसी कैसी बातें करते हो तुम लोग मेरा सुंदर सा नाक कटवा के छोड़ोगे तुम लोग ठीक है अब तो सुंदर नहीं है तो नहीं है हम दूसरे नाक से थोड़े ना ऑक्सीजन लेते हैं हमारा नाक महान है जी चलिए पिताजी तो सिंगल है तो एक्स माइनस वाई माइनस फाइव ये थ्राइस का रहा है वाई बराबर टू एक्स रख लोगे अरे y बराबर टू एक्स रख लोगे ये रख के सॉल्व करना x बराबर आएगा ये y बराबर जो भी आएगा कितना आएगा y बराबर टू एक्स एक्स बराबर ट्वेंटी फाइव आएगा x बराबर क्या आएगा इसको सॉल्व करो y बराबर टू एक्स रख के y बराबर टू एक्स यहाँ चिपका दो देख रहे हो तीस को इधर ले आओ टू एक्स को इधर ले आओ एक्स हो जाएगा पिता पिताजी का उम्र कितना हो गया पचास साल हो गया नहीं हो गया जी डी नंबर ऑप्शन आया समझ में तो ये जो दो उम्र दो एज का कंबाइंड दिया वहां ध्यान रखिए भाई वहां पर आपने गड़बड़ किया तो गड़बड़ है साइकोलॉजिकल एरर है जी ऐसा सवाल कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कमाल का क्वेश्चन है लेकिन वो गलती माइनस फाइव ही करेगा बच्चा एट्टी नाइनटी परसेंट तो यही करके आएगा उतना दिमाग में आता है नहीं है बात, और इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ गलती करना कॉन्फिडेंस समझते हो कि क्या गलती किया ये पता नहीं लगना जिंदगी भर पता नहीं लगना कि हमने गलती क्या किया हुआ कॉन्फिडेंस के साथ गलती करके आना सिक्सटीन देखिए जरा सा क्वेश्चन नंबर स्वीट क्या हुआ ए नंबर बिटवीन हंड्रेड टू वन सॉरी टेन टू हंड्रेड टेन टू हंड्रेड कितना डिजिट का नंबर होगा टेन टू हंड्रेड कितना डिजिट का नंबर होगा दो डिजिट यानी दो डिजिट से रिलेटेड सवाल है सिंपल लॉजिक है कोई भी नंबर टेन से हंड्रेड के बीच है इसका मतलब है टू डिजिट नंबर के बारे में बात कर रहा है टू डिजिट नंबर के बारे में बात कर रहा है और दो डिजिट का नंबर हम ऑप्शन से बना सकते हैं कथा ये नंबर बिटवीन इज फाइव टाइम्स सम ऑफ डिजिट माने उसके डिजिट का अगर हम सम कर दें फाइव टाइम्स का मतलब पांच से मल्टीप्लाई कर दें, तो number आ जाना चाहिए तो ये तो फोर्टी फाइव ही लगता है क्योंकि अगर हम 45 को डिजिट का सम करें तो कितना हुआ और इसका पांच गुना कर दें जी तो यही नंबर आ जाएगा क्या भाई फाइव टाइम्स का मतलब किसी चीज को पांच से मल्टीप्लाई करना इसके अलावा और कोई मतलब नहीं होता सम ऑफ डिजिट डिजिट को जोड़ देना है कहता है नंबर बिटवीन हंड्रेड टेन से हंड्रेड यानी कोई दो डिजिट का नंबर है तो कहता है वह नंबर अपने डिजिट के सम का पांच टाइम है तो डिजिट का सम करो और फाइव से मल्टीप्लाई करो देखो नंबर आता है क्या अगर आ गया जी तो ठीक है समझ गए बात जी ऑप्शन तो नंबर सी जिंदाबाद है या नहीं है जी कहता है नाइन अगर ऐड करते हैं तो रिवर्स हो जाता है देख लो फोर्टी फाइव प्लस नाइन कितना हो गया भाई तो रिवर्स भी हो गया चलो एक दूसरा तरीका भी बताते मान लेते हैं कि पहला वाला लाइन नहीं समझ में आ रहा मान लिया जाए कई बार होता है कि नहीं दिमाग में बात ही नहीं बैठ रही तो दूसरा कंडीशन चेक करो कि नाइन ऐड करने से रिवर्स हो जाना चाहिए ये तो समझ में आ रहा है ना तो नाइन ऐड करके देखिए तब भी सी होगा और तो कोई विकल्प नहीं है ना तो कई बार अगर पहला लाइन नहीं है तो छोड़ के भाग नहीं जाते दूसरा कंडीशन से कई बार हम चेक करके भी पता लगा सकते हैं क्लियर टू ऑल आया समझ में कैसे इक्वेशन बनाएंगे इसका मैं इक्वेशन बना देता हूँ बाकी आप सॉल्व करना आपका काम है और अगले दिन कॉपी देखोगा कॉपी पिछले क्लास के होमवर्क का लाए हो कौन कौन लाया है होमवर्क की कॉपी हमने कहा रोज लाना है मैंने पहले दिन चार पांच लाए उसके बाद दो लाए तीन लाए बस अभी मैं देखता हूँ और जो नहीं लाया है पहले कॉपी तैयार करवा के तब घर भेजूंगा कॉपी लाना है कि हर दिन तुम क्या होमवर्क करते हो इसकी एक कॉपी बनानी है और दिखानी है बोला था लाए हो नहीं ये तो क्लास वर्क है इसमें है हमने कहा था होमवर्क की कॉपी अलग होनी चाहिए तो सुनता क्या है ओ हरी प्रसाद देखो देश में रोजगार बहुत कम हो रहा है समझ गए बात मना नहीं करता हूं किसी का भी धार्मिक भावना का कुछ नहीं हो सकता आप जा सकते हैं आप जाइए मस्जिद अगर जाना जरूरी है तो जरूर जाइए बना लोगे सवाल अब तो रूटीन आ गया होगा आप लोगों के पास आज डेढ़ बजे तक तो क्लास दिया होगा ये सब बात जो है थोड़ा मैनेजमेंट से भी कर लिया करो क्योंकि मैनेजमेंट हम लोग तो उत्तरदायी मैनेजमेंट के लिए होता है आप भी यार हम भी हैं पहले छोड़ देंगे पूछेगा पहले क्यों छोड़ दिया? अच्छा टाइम क्या होता है कि हर चैप्टर का फिक्स होता है इक्वेशन है तो आपको 10 से 11 घंटे हम समाप्त करना आधा घंटा शॉर्ट का मतलब है कि हमारे लिए आफत हो जाती है डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन है इक्विबीरियम किसको कहते हैं मालूम है जहां डिमांड और सप्लाई लाइन एक दूसरे को कट करता है यानी अगर आपको डिमांड और सप्लाई दिया हुआ रहे इक्वेशन और आपको कहे इक्विरियम प्राइस निकालो या क्वांटिटी इसका मतलब दोनों को सॉल्व करके पी और क्यों का वैल्यू निकालना है सिंपल लॉजिक बाकी आप कुछ मत समझिए जैसे ये दिया हुआ है हमारा डिमांड इक्वेशन ये इक्विबेरियम पॉइंट है और दूसरा है जी पी बराबर इस पी का इस जो है पी का वैल्यू यहां रख सकते हैं अरे पी का वैल्यू यहाँ रख सकते हो सारा वैल्यू क्यों में आ जाएगा पहले क्यों निकाल लेना फिर पी निकाल लेना इसको सॉल्व करके लाना है सबको मगले की देखेंगे जी कि आपने इस किन किन लोगों ने सॉल्व किया घर में बैठ के इसको ठीक है हमने तरीका बता दिया अगर आपको एलसीएम लेना ये सब आता है तो सवाल बनेगा आप एलसीएम में गड़बड़ कर दोगे तो फिर दिक्कत है यही तो देखना है कि आप करते क्या हो कलियर दो मिनट का मैं ब्रेक दे सकता हूं अपने तरफ से अगर इधर जाना हो तो जा सकते हैं आप दो चार मिनट के लिए क्वाड्रेटिक कराएंगे स्टार्ट चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक का मतलब है जिस पर मैक्सिमम पावर दो हो हाँ बोलो लिख के बोलो आशिक जी ये कौन है इधर से ही कोई लिख रहा है क्या ये लिख रहा है क्या कौन ठीक है था? ये तो जादू ये है एकदम टसन में ऐसे। है ऐसे देखिये क्वाडिटिक इक्वेशन का फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी जीरो ए जीरो के इक्वल नहीं होगा वेर एक्स इज्कवल टू है जी इसमें सेवन पॉइंट्स हैं पहले हम वो सब सब समझते हैं और सात पॉइंट आपको अगर दिमाग में रहे तो क्वाड्रेटिक बनेगा एक्स आपका है जी वेरिएबल एबीसी सब कॉन्स्टेंट है और फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल पर जो मैक्सिमम पावर होगा उसी के हिसाब से उसका नाम होता है एक्स पर मैक्सिमम पावर दो है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा क्वाड्रेटिक इसको ध्यान से देखिए इससे इसको कंपेयर करके क्या हम ए बी सी निकाल सकते हैं क्या हो गया ए बराबर एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट कॉफिशियंट का कल मतलब समझाया था जो चीज उसमें मल्टीप्लाई एक्स का कॉफिशियंट भी थी यहाँ एक्स का क्या है माइनस एट और सी का क्या है फाइव जिसको ए बी सी निकालने के लिए क्वाड्रेटिक में आ गया वो बहुत काम हो गया पूरे क्वाड्रेटिक का 80 परसेंट सवाल इसी ए बी सी में घूमेगा इस ए बी सी को हम कहते हैं कॉफिशियंट ए किसका कॉफिशियंट है एक्स स्क्वायर बी किसका कॉफिशियंट है एक्स का और सी किसका कॉफिशियंट है वन का सी को हम कहेंगे कांस्टेंट टर्म जब हम कांस्टेंट टर्म बोलेंगे जी इसका मतलब हम सी की बात कर रहे हैं आई बात समझ में अब देखो क्वाडिटी के इक्वेशन दो तरह के होते हैं एक को हम कहते हैं प्योर क्वालिटी इक्वेशन और एक को कहते हैं मिक्स्ड एक को प्योर और एक को प्योर का फॉर्म ये है प्योर का फॉर्म है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इज कल टू जीरो जिसमें केवल दो ही हो पावर एक पावर नहीं ये प्योर है और एक है जी माय डियर इसका फॉर्म पूरा है ए एक्स स्क्वायर ए भी जीरो नहीं होगा बी भी, भी जीरो नहीं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक्स यहाँ पावर टू और पावर वन मिला हुआ है ऑनलाइन बच्चे आ रहा है समझ में यहाँ पावर टू और पावर वन दोनों आपस में मिला हुआ है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक क्वालिटी के right? अच्छा जी क्लियर टू ऑल क्लियर यहां तक प्योर क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई तकलीफ नहीं है अब एक्स स्क्वायर माइनस नाइन का इधर उधर करके सॉल्व करने में लेकिन मिक्स को सॉल्व करने में थोड़ा जान लगाना पड़ेगा तो हमको मिक्स वाला ही सीखना है किसी भी वेरिएबल पर किसी इक्वेशन में जितना मैक्सिमम पावर होगा जैसे एक्स का मैक्सिमम पावर क्या है दो इसका मतलब इसका दो सोल्यूशन होगा अगर सिंगल वेरिएबल में मैक्सिमम पावर दो है इसका मतलब उसका सोलूशन क्या होगा दो होगा अगर एक वेरिएबल हो जिसको लीनियर कहे थ्री एक्स माइनस सिक्स जीरो वैल्यू आएगा क्लियर तो पहले हम सीखेंगे जी कि मिक्स्ड जो है ये सब मिक्स्ड प्योर में क्या रूल है नहीं है अभी आगे ये सब का यूज होगा अभी सवाल बनाने में हम ये सब का यूज करेंगे और जब यूज करेंगे जी तो आपको आपको यूज समझ में आना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ नंबर थ्री मेथड्स फॉर सॉल्विंग सॉलविंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर ए फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन का भी यूज होता है भाई जब उसका कोई रैशनल सलूशन हो टू थ्री माइनस टू थ्री ऐसा कुछ जब ये रैशनल सलूशन होता है तो फैक्टराइजेशन मुश्किल होता है तो दूसरा तरीका भी बताएंगे हम अभी तो हम एक ही चर्चा कर रहे हैं कई बार है कि फैक्टराइजेशन एकदम पॉसिबल हो जाता है जिनको यहां पर तकलीफ हो तो उसके लिए दूसरा तरीका भी हम बताएंगे आप चिंता ना करें हम आपके साथ हैं फैक्टराइज़ेशन में क्या करना है जैसे फॉर एग्जाम्पल कांस्टेंट टर्म और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर देखो एक्स जो होता है ना इसको हम कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिट कहते हैं इस फॉर्म में कोई चीज हो नु? इसको हम क्या कहेंगे मिडल टर्म एक्स का जो टर्म होगा वही मिडल टर्म होगा कल को कोई एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस बी एक्स लिख दे तो मिडल टर्म सी नहीं हो जाएगा वो बी एक्स ही रहेगा आ रहा है समझ में जो एक्स वाला पार्ट है वही मिडल टर्म है चाहे वो कहीं लिख दे समझ गए बात जी अब देखो क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है और जो ये है उसको मल्टीप्लाई करते हैं बीच के टर्म को ऐसा ब्रेक करेंगे कि प्लस और माइनस करने से तो माइनस एट एक एक्स आना चाहिए लेकिन उसका एक्स का कॉफिशियंट मल्टीप्लाई करने से ही आना चाहिए तो पांच और तीन का सम एट होता है नहीं होता है अगर कोई बड़ा नंबर हो तो फैक्टराइज करके सोचता है आप इसको ऐसे लिख सकते हो और जिसको इसमें दिक्कत है उसके लिए दूसरा तरीका भी है अब देखिए x का माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस एट एक्स एक्स का कॉफिशियंट क्या है माइनस थ्री और इसका माइनस फाइव माइनस थ्री ये दोनों का प्रोडक्ट ये अगर टैली कर गया तब इसका मतलब फैक्टराइजेशन होगा अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फैक्टराइजेशन फिर नहीं हो पाएगा तब उसके लिए अगर ये नहीं समझ में बात आती है तो एक फॉर्मूला है हम उसकी मदद ले सकते हैं अभी तो अगर आ गया तो ठीक है नहीं आया तो दूसरा तरीका बताते हैं हम आपको यहां तक बात आई समझ में कितने महान बच्चे हो जी समझ जाते हो बात यू ऑल आर सुपर डुपर बच्चे अब ये दो दो ले लीजिए एक्स कॉमन लो क्या होगा इस दोनों में माइनस वन कॉमन ले लो साइन चेंज हो जाएगा जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो आगे के जितने भी साइन है सब में बदलाव आ जाएगा फिर ये दोनों को कॉमन लेंगे दिस एम्प्लाइज दो चीज का प्रोडक्ट जीरो है तो ये जीरो और ये जीरो कुछ भी हो सकता है इससे फाइव बाय थ्री और इससे क्या हो गया तो आंसर क्या होगा एक्स बराबर वन और फाइव बाय थ्री एंड नहीं और दोनों में से कोई हो सकता है और चाहे वन होगा या फाइव बाय आया समझ में बात क्या नहीं आया फैक्टराइजेशन आया ये आया समझ में हाँ तो दो चीज का प्रोडक्ट जीरो है तो क्या होगा बेसिक रूल एक्स इंटू वाई जीरो आर एक्स जीरो और यही बातें होंगे तो चाहे ये पार्ट जीरो करो या ये जीरो करो एक्स तो के दो वैल्यू निकल आएंगे। आया समझ में? अभी बहुत कुछ समझाना बाकी है। अभी तो धीरे धीरे बढ़ाई बढ़ रहे हैं। पानी पी पी के। आप भी पानी पीजिए और दूसरे को पानी पिलाइए आईसीआई इंस्टीट्यूट को पानी पियोगे तभी पानी पिलाओगे नींद आए तो गहरी सांस लीजिए ले लिए और रोक के रखो तब तक, तक जब तक कि प्राण न निकल जाए ऐसा नहीं करना ये मैं पहले बता देता हूं गहरी सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं दो चार बाज पांच करो जी नींद खुल जाएगी फिर ऑक्सीजन ले रहे हैं ज्यादा फिर सब बराबर दिया तो मैं ऑक्सीजन ज्यादा क्यों ले रहे हूं अब देखो तो गर्मी हो गई तुरंत सारा गज खींच लिया जो सो रहा है इसका मतलब है वो आप फिजिकली फिट आदमी नहीं है अब यह मत बोलो हम बहुत पढ़ते हैं हम बहुत पढ़ते हैं इसका मतलब तुम हमको बोलो आपने कभी पढ़ा है क्या मैं तो बहुत पढ़ रहा हूं आप कभी पढ़े हो देख लो मैं ऑनलाइन एवरेज जो है पांच घंटे से ज्यादा नहीं सोता हूँ स्टूडेंट लाइफ से अभी तक ग्यारह बजे जो सोता हूं, चार बजे रोज हूं हूँ रोज की कार चार बजे के बाद जो है हम भी थोड़ा पढ़ते हैं थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं थोड़ा घूमते हैं क्यों नॉलेज को इतना चीज है कि, कि आपने पढ़ लिया तो हो गया क्या जिंदगी भर पढ़िए तो भी लगेगा कि बहुत कम जानते हैं नहीं पढ़ोगे तो लगेगा कि हम बहुत जानते हैं पढ़ोगे तो लगेगा अच्छा हम तो कुछ जानते ही नहीं तो जिंदगी भर पढ़ते रहिए किताब पढ़ने का शौक पालिए व्हाट्सएप पर चैटिंग वाला शौक गलत है है ना? फेसबुक वाला जो इन्फॉर्मेशन है उसको कम पढ़िए क्योंकि उसमें जितना इंफॉर्मेशन होता है एटी नाइनटी परसेंट तो गलत ही होता है आजकल लोग किताब के जगह वही पढ़ते फेसबुक सुबह जी जी कोई लिखेगा जी इसको इग्नोर मत करना श्री राम लिखो लो भाई नहीं लिखोगे बहुत बड़ा कष्ट हो जाएगा आदमी डर से ही श्री राम लिखता है एक आया जी कभी रमजान का महीना चेगा आमेन लिखो कोई खुशखबरी मिलेगी मैंने भी डर से लिखा मैंने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिले भाई काम करो कुछ नहीं होने वाला है मैं आपको बता रहा हूँ बिना कर्म का कोई खुशखबरी नहीं है और कोई साथ देने वाला नहीं है है ना मंदिर गए जाए हनुमान जी सीए फाउंडेशन पास करवा देना अरे हनुमान जी अपने ने सी ए फाउंडेशन किया तुमको खा खा पास करवाएगा वो जिस समय वो महान थे उस समय सीए फाउंडेशन था ही नहीं उनको अकाउंटिंग नहीं आती है वो आशीर्वाद बेचारा दे भी दे तब भी फेल हो जाएगा वो ऐसे हाथ किए रहते हैं बेटा जैसा करोगे वैसा ही पाओगे वही बोलते हैं मन में हे हनुमान जी पास कर दे जैसा करोगे वैसा ही होगा मंगलवार गया जी चार रुपया का बुंदी चढ़ाया प्रभु हाँ बिजनेस में चार करोड़ दे देना बोलो सीधा सीधा घोष मैंने आदमी जो भगवान की मैंने से बेवकूफ तो कोई समझता ही नहीं है और आज का झगड़ा इसी में है जी किसका भगवान बड़ा है है ना मंदिर वाले भगवान ज्यादा बड़े हैं कि मस्जिद वाला भगवान ज्यादा बड़ा है कौन शक्तिशाली है ठीक है बाप बाप रे बाप, आजकल मार्केट में छाया हुआ किसका बल साली है किसका भगवान बलशाली मैंने अगर भगवान अगर ओरिजिनल में पृथ्वी पर होते ना तो आदमी दोनों को हाथ में तलवार दे के लड़वा देता कि लड़ो जो जीतेगा उसका भगवान बलवान और आदमी देखता वाह लगा लगा भगवान लगा ये हालत है भाई इस पूरे दुनिया का ये हालत है कोई भगवान के नाम पर गोली मार रहा है तो किसी को कोई तलवार से काट रहा है मेरा भगवान बलवान लो भाई ये हालत है इस देश में देश की माँ तो पूरे विश्व की समस्या है ये बहुत बड़ा भगवान जो है बहुत बड़ा समस्या हो गया है दुनिया के लिए ये जान लो और जितना धर्म जो है खून नहीं बहाया देखो धर्म सबसे ज्यादा खून बहाया है इतना तो आधार भी नहीं खून बहाया होगा जितना धर्म के नाम पर खून गया पूरे दुनिया में तो मैं तो ताजुब समझता हूं कि आदमी के दिमाग को तो लोग हैक कैसे कर लेता है कैसे मरने मारने को उतारू हो जाता है नहीं हर जगह बात देखते हैं, कोई शरीर में बोलो जी कि पूरे शरीर में हमको कोई बोले कि भगवान का नाम लो पूरे शरीर में बम लगा के उड़ा लो अपने सुसाइड कर लो कैसे हो पाता है मैंने कि कितने दिमाग को उसका बदला होगा ये तो मैं सोच के ताजुब होता हूँ कितना फीडिंग किया होगा जी कितना चीज उसमें आदमी बांध के मर जाता है ताजुब का बात है भाई देखो भगवान दिमाग सबको दिया है ना तो यहां से तर्क करना चाहिए हम क्यों दूसरे की बात सुनते हैं तुमको अगर हम बोलते हैं कि भाई ऊपर कि चढ़ो और कूद जाओ तो तुम कूद जाओगे या सोचोगे जी पढ़ने का क्या मतलब होगा अरे पढ़ने लिखने का क्या मतलब हुआ कि हर बात को हम अपने तर्क पर तोलेंगे तुमको बोलेंगे ऊपर से कूद जाओ तो तुम दस बार सोचोगे ना कि भाई कूदेंगे तो क्या क्या होगा नहीं ये बात ठीक नहीं बोला मास्टर मैं बोलूँगा अच्छा जी कूदोगे मरोगे ना तो ऊपर जाओगे तो कुछ मिलेगा अरे नीचे में ही समस्या है ऊपर तो कौन देखा है कि क्या है कोई जो गया है लौट के आया है बताया है क्या ऊपर में क्या है? क्या मिल रहा है, क्या है? क्या है? कोई स्वर्ग में भेज रहा है कोई नरक में भेज रहा है कोई मरने के बाद पता नहीं वहां कौन कौन से लड़की दे रहा है हद हो गया भाई एकदम धर्म धा, के नाम पर तो एकदम सब ये धर्मों का यही हाल इसलिए अगर मौज से जीना है तो अधर्मी हो जाओ इस देश में धार्मिक तो होना ही नहीं चाहिए सबसे अच्छा बेचारा पक्षी है वो मंदिर पर भी बैठता है मस्जिद पर भी बैठता है उसको कोई नहीं करता है कुछ आदमी का बस चले तो यहाँ भी बंदूक ले खड़ा रहे मंदिर पर बैठा अच्छा मस्जिद पर आ गए मार इसको मंदिर वाला मस्जिद का मस्जिद पर बैठा मंदिर पर मार इसको ले भाई हद हो गया ये हवा जो है ना इसको भी रोक दे आदमी किधर से आ रहे हो पाकिस्तान से चल बंद कर इधर कैसे आ गया हवा पता नहीं कि लोग उधर पाकिस्तान से हवा इधर आ रही है इसलिए आप लोग देश के भविष्य हैं युवा हैं इस बात का हम ऐसा ख्याल रखिए और आप ही लोगों से ये दुनिया बनेगा आगे समाज नहीं बोलते हैं दुनिया आगे बनेगा जी ये बात आप समझ लीजिए हम तो डिबेट देख के भी परेशान होते हैं डुबेट तो हम देखते हैं कि कैसे लड़ते हैं आपस में सारे वो इंटरटेनिंग है हमारे लिए और चैनल वाला भी दो चार को बुला लेगा तो एक तो तरीका है जी फैक्टराइजेशन सबसे अच्छा मैथमेटिक्स है है ना सारे लोग पढ़ते हैं भाई सारे धर्मों के लोग पढ़ते हैं किसी से बैर है इसको नहीं ना कुरान से हमको हो सकता है कि कुछ हो आपको गीता से हो सकता है मैथमेटिक्स तो सबको पढ़ना है तो मैथमेटिक्स ही एक ऐसा है जो जोड़ के रखता है इसलिए मैथ ही सबसे बड़ा धर्म है इसको पढ़ो है ना कोई कुछ नहीं यही पढ़ो बी नंबर नहीं इसमें सब है जी गीता और सीता भी है और मोई और जैन भी है सब है चलेगा दूसरा तरीका है जी बाय फॉर्मूला एक तो है कि फैक्टराइजेशन एक फॉर्मूला याद रखिए आप एक्स स्क्वायर बी एक्स जीरो कोई भी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है तो इससे कंपेयर कीजिए कंपेयर कर लोगे ए क्या है बी क्या है सी सब निकाल लोगे ए बी सी निकल आएगा x तो बराबर क्या हो गया माइनस बी अब एबीसी तो सभी बच्चे निकाल सकते और जिसको एबीसी फैक्ट्राइजेशन में जिसको दिक्कत है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसी सवाल को लीजिए एक बात याद रखिए इसमें सभी टर्म एक साइड होना चाहिए तभी एबीसी बराबर जीरो अगर फाइव को बराबर के इधर लिखा है तो इधर ले आई ठीक है बात बताइए ए क्या है माइडियर बी क्या है और सी क्या है एक्स बराबर बैठाओ माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर फोर ए ए क्या है हमारा बाय टू ए एट प्लस माइनस सिक्सटी फोर और ये हो गया जी सिक्सटी सिक्सटी फोर माइनस सिक्सटी कितना हो गया अरे सिक्सटी फोर माइनस सिक्सटी फोर तो टू हो गया नहीं हो गया तो दो वैल्यू आ गए जी एक हो गए जी एट माइनस टू बाय सिक्स कॉमा एट प्लस टू बाय सिक्स कोई दिक्कत एबीसी निकालने के लिए आना चाहिए प्यार से जिसको भी प्यार में प्रॉब्लम है हमसे बोलो सिक्स बाय सिक्स टेन बाय सिक्स वन और ये फाइव हो गया जी थ्री देखो आ गया आंसर सेम और फाइव बाय थ्री तो आपको एबीसी संजीदगी के साथ आना चाहिए जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन हो फैक्टराइजेशन में कष्ट हो रहा है किसी को आप एबीसी फॉर्मूला में बैठाइए फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए फार्मूला दिमाग में होगा तो काम पक्का होगा इज इट क्लियर आ गया सवाल समझ में चलिए अब हम थोड़ा सा इसको कुछ बात को और समझते हैं नॉट लिखे वन बोल कुछ तो बोल बड़ रहा है तू बड़बड़ा रहा है मैंने लिखा था कि मैथ का कम से कम क्लास पांच घंटे का होना चाहिए अगले सेशन से पांच घंटे का आएगा मैथ लगातार हम बोले कि हम पढ़ाते से थकते ही नहीं है तो कम से कम पांच घंटे का मैथ हमको दो क्या हुआ माथा क्यों नोच रहे हैं इक्वेशन हम बताएं इक्वेशन फॉर्मेशन हम करें सवाल में ही पढ़ाऊ तुम जाते हो आराम से बैठे हो एसी चल रहा है हाँ तो पैसे कम दिए हो पूरा कितना पचीस दिया होगा मालूम है हमको दिखा दिखाओ दिखा पचीस हजार दिया है दिखा तो कितना दिन से पढ़ रहे हो अच्छा जनवरी पढ़ रहे हो अभी पांच हजार और करवाता हूँ आप कितना पढ़ोगे ये दूंगा थोड़े न मैं अब छह बार तो पढ़ चुका है पैसा एक बार का दिया है। हाँ द सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो आर टर्म रूट्स और जीरोज क्वाडिटिक इक्वेशन के सोल्यूशन को हम लोग उसका रूट्स कहते हैं या जीरो कहते हैं कहोगे सर जीरो क्यों कहते हैं ये तो समझ में आता है कि जैसे ये इसका सोलूशन या रूट्स है रूट्स का भी मतलब होता है सोलूशन ऐसा क्यों नाम पड़ा ये भी बता देते हैं जीरो तो इसलिए कहते हैं कि एक्स बराबर वन यहाँ पुट करोगे जीरो हो जाएगा कहे किसी क्वाडिटी के क्वेश्चन का जीरोज जी निकालो या रूट्स निकालो इसका मतलब है सिंपल मतलब उसको सॉल्व करना हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं उल्टा पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने वाला वो अलग बनाया था जैसे ये दो नंबर है तो दो नंबर को हमको ऐसे इक्वेशन में बदलना है कि जिसका सोल्यूशन ये होगा तो पहले नंबर था नंबर से इक्वेशन बना और दो नंबर से जो इक्वेशन बनेगा उसको क्वाड्रेटिक कहेंगे हम लोग उल्टा पढ़ते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये ये होना चाहिए ये होना चाहिए इसका ऐसे सोल्यूशन होगा तो पहले नंबर आया ऐसा कोई दो नंबर है जैसे टू और थ्री है तो टू और थ्री इस नंबर से ऐसा हम कौन सा इक्वेशन बनाए उस इक्वेशन का सोलूशन वो हो जाए तो रूट्स का मतलब क्या होता है जड़ जहां से कोई चीज स्टार्ट हो तो नंबर से क्वाड्रेटिक बना है। कि दो नंबर को अगर हम लोग ऐसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें कि जिसका सोलूशन वो दो नंबर होगा तो वो जो बनेगा इक्वेशन उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इसलिए हम सोल्यूशन को रूट्स कहते हैं रूट्स का मतलब है कि इसी से क्वाड्रेटिक स्टार्ट हुआ हम उल्टा पढ़ते हैं इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन को उसका हम रूट्स बोलते हैं समझ गए बात जी इसका यही मतलब है जी? ऐसे तो रटने का हम रट ही लेते हैं मास्टर जी भी रटाए रहे हैं। इसको रूट्स बोलते है कोई पूछते हो रूट्स क्यों दो थप्पड़ बहस करते हो नंबर टू इतना भी नहीं जानता नंबर टू इसको मैं जनरल टर्म में नहीं लिखता हूं डायरेक्ट इक्वेशन में लिखता हूँ if x minus 1 is a factor of this hmm. देखो ये जो लिखा हुआ है ये बराबर इसको मैं छोड़ दू ये जो पार्ट होगा उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या बोलेंगे अब बराबर जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर जो करते हैं वो एक्सप्रेशन पार्ट का करते हैं जैसे इधर वाले पार्ट को हम फैक्टराइज करते हैं एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है इक्वेशन का सलूशन होता है इक्वेशन का फैक्टर नहीं हो सकता एक्सप्रेशन का होता है जो ये वाला पार्ट है इधर वाला उसका होता है जी फैक्टराइजेशन भाई सलूशन तो इक्वेशन का होगा कोई चीज बराबर होगा तब ना सोल्व करोगे एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है इसका क्या मतलब हुआ कि x माइनस वन से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो हो जाएगा टू फैक्टर है जी फाइव का तो टू से फाइव कट जाएगा अब मान लेते हैं कि कोई फैक्टर किसी एक्सप्रेशन का है या नहीं है इसको डायरेक्ट जज कैसे करेंगे एक तो है कि डिवाइड करके जज कर सकता है कि डिवाइड करें रिमाइंडर जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा तरीका बता देते हैं ये तरीका आपको सीखना है कोई किसी का फैक्टर है या नहीं है मैं बोलूं ये इसका फैक्टर है या नहीं है जज करो देन क्या करना है इस फैक्टर को जीरो कर लोगे इस फैक्टर को क्या करेंगे एक्स बराबर क्या आया इज ए सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन हो गया जी क्योंकि इक्वेशन क्यों इसका सोलूशन होना चाहिए फैक्टर को हम जीरो करते हैं तभी सलूशन निकलता है यहां ध्यान दो जो मैं ऊपर करा रहा हूं किया हूं वह इसी को लैंग्वेज में समझा रहे हैं इसी ने फैक्टर को आपने जीरो किया तो सलूशन निकला तो कोई चीज अगर कहे कि ये इसका फैक्टर है ये इसका फैक्टर है या नहीं है इसको जीरो करके एक्स का वैल्यू निकालिए और इसको इक्वेशन में बदल दीजिए और एक्स बराबर वन पुट करो अगर एक्स बराबर वन पुट करने से जीरो हो गया तो इसका मतलब है वो उसका फैक्टर होगा समझ गए बात जी और अगर एक्स बराबर वन रखने से जीरो नहीं हुआ तो उसका फैक्टर नहीं होगा सिंपल लॉजिक है फैक्टर हमेशा इस पार्ट का होता है लेफ्ट पार्ट का जिसको हम कहते हैं क्वाडिटिक एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन को बराबर जीरो करोगे तो वही हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम एक्सप्रेशन पास को फैक्टराइज करते हैं और फैक्टर को हम फिर करते हैं जीरो तो एक्स का वैल्यू निकलता है अब एक्स का वैल्यू अगर हम फैक्टर हमको दिया है क्योंकि ये सब लॉजिक आगे क्यूबिक इक्वेशन और इसमें भी बहुत जगह आएगा कि कोई फैक्टर दिया हुआ है तो फैक्टर को जीरो कर लो जिसका फैक्टर दिया है उसको बराबर जीरो कर दो इक्वेशन हो गया पुट करके चेक करो क्या उसके रखने से वो सेटिस्फाई हो रहा है सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका मतलब वो फैक्टर होगा ठीक है जी बात और नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका फैक्टर जैसे एक सवाल एग्जामिनेशन में आया हुआ था क्वेश्चन लिखिए इैक्ट माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ दिस सॉरी इतना बराबर फैक्टर है इज कल टू वट एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है तो के का वैल्यू निकालो ऐसा सवाल पूछ सकता है एग्जाम में सर क्या करेंगे माय डियर एक्स माइनस वन जीरो बराबर क्या हो गया इसको वन रखने से जीरो हो जाना चाहिए आ रहा है समझ में क्या के का वैल्यू हम निकाल सकते हैं माइनस एट आएगा हो गया आंसर आ रहा है, है। समझ में तो इस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ये इसका फैक्टर है फैक्टर को जीरो करो वन रख के जीरो के जीरो करके का वैल्यू निकाल क्लियर चलो आज एक मिनट पहले छोड़ देते हैं आप भी इंजॉय करो पहले दिन ढाई घंटा नहीं पढ़ाना चाहिए देखो कितना मुस्कुराहट फैल गया आए है थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑनलाइन ऑफलाइन सबको